नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपीएल कंपनी की स्पोलेट इंसेक्टिसाइड के टेक्निकल से लेके इसके मोड ऑफ एक्शन और इसके छिड़काव से हमारी फसलों को क्या फायदे होते हैं और कौन कौन से कीटों को या कौन कौन सी फसलों पर नियंत्रित करता है, क्या इसकी कीमत होती है, सारी विशेषताओं पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि एसजी फॉर्म में देखने को मिलता है। एसजी यानी कि किसान भाइयों सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल है एमामेक्टिन बेंजोएट, यह बहुत सारी कंपनियाँ हमें देती हैं, जैसे कि स्वाल कंपनी देती है, सिंजेंटा कंपनी के साथ साथ बायर कंपनी, अडामा कंपनी भी हमें यह टेक्निकल देती हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप एमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर रहे हैं तो आप उन कंपनियों को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो किसान भाइयों इसमें हमें दो मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं। पहला ट्रांसलेमिनर एक्शन और दूसरा स्टमक एक्शन के तरीके से यह काम करती है। ट्रांसलेमिनर एक्शन में किसान भाइयों होता यह है कि जो भी कीट यानी कि जो अक्सर सकिंग पेस्ट जो होते हैं यानी कि रस चूसक जो कीट होते हैं पत्ती की दूसरी तरफ छुप कर बैठते हैं या नीचे तने की तरफ छुप कर बैठते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप दवा का छिड़काव करते हैं तो दवा का जो असर होता है पत्ती की दूसरी भाग पर भी हो जाता है। तो किसान भाइयों उससे भी कीटों की मृत्यु हो जाती है। और किसान भाइयों हम बात करते हैं स्टमक एक्शन की, तो इसके छिड़काव से कीटों के जो स्टमक होता है उनकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो डैमेज हो जाती है, जिनसे उनकी खाना बनाने की जो प्रणाली होती है वह नष्ट हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यूपीएल कंपनी का जो स्पोलेट इंसेक्टिसाइड है यह एक नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं यह कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, तो यह बैंगन की फसल पर फ्रूट बोरर और सूट बोरर जैसे कीटों को नियंत्रित करता है। वहीं हम बात करते हैं पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी में यहाँ DBM यानी कि डायमंड बैक मॉथ को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हम बात करते हैं मिर्च की फसल में यह फ्रूट बोरर माइट थ्रिप्स को काफ़ी प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। कपास की बात करते हैं तो कपास में यह बॉलबम को नियंत्रित करता है। इसके बाद अंगूर में यह थ्रिप्स को नियंत्रित करता है। ओकरा में फ्रूट बोरर और शूट बोरर को नियंत्रित करता है। वहीं रेड ड्राम की बात करें तो पॉड बोरर को यह नियंत्रित करता है। और चाय की फसल पर बात करते हैं तो टी लूपर को यह काफ़ी प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, एमामेक्टिन बेंजोएट जो है इन सारी फसलों पर जो भी कीट मैंने आपको वीडियो में बताए हैं इन पर काफ़ी प्रभावी तरीके से यह नियंत्रित अपना करता है। किसान भाइयों, वहीं हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, लगभग सारी फसलों पर कुछ एक फसल पर है जिसमें 70 ग्राम प्रति एकड़ है, बाकी एवरेज अगर हम माने तो 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़ हमें इसका छिड़काव करवाना चाहिए। और किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट के बारे में। तो किसान भाइयों, इसका काफ़ी अच्छा यानी कि प्रभावी तरीके से जो नियंत्रण है फ्रूट बोरर, DBM, लूपर्स और बॉलमॉम और थ्रिप्स को यह काफ़ी प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। काफ़ी अच्छे हमें एमामेक्टिन बेंजोएट के बॉलवर्म, लूपर्स, DBM, थ्रिप्स पर रिजल्ट देखने को मिले हैं। वहीं हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो उसकी जो 500 ग्राम की जो कीमत है 1000 से 1100 रुपए के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।